नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव क्षितिज का विशेष कार्यक्रम चुनावी चर्चा। रात के ठीक 8:30 बजे है और चुनावी चर्चा के लिए हमारे साथ बिहार के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय जी हैं। रवि उपाध्याय जी आज कई विषयों पर चर्चा करेंगे। कल पहले चरण का चुनाव हुआ था और देखिए बीजेपी में परेशानी है, बीजेपी परेशानी महसूस कर रही है। हम चर्चा करेंगे कि भूमिहारों ने वोट देने में कंजूसी क्यों कर दी बीजेपी, और हम चर्चा यह भी करना चाहते हैं कि कुशवाहा कैसे टूटने लगे और कुर्मियों का कोई नेता नया भी उभर रहा है क्या। फिर हम चर्चा यह भी करना चाहते हैं कि मुसलमान तेजस्वी यादव के लिए क्यों नहीं बीजेपी से दुश्मनी लेना चाह रहे हैं। मुसलमानों का प्यार क्या तेजस्वी से कम हुआ है, यह भी समझने की बात है। इसके बाद आनंद मोहन का जो वीडियो वायरल हुआ उसका इंपैक्ट क्या होगा, और फिर सम्राट चौधरी के लिए नारा लगा बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, सम्राट चौधरी जैसा। तो सबसे पहले हम चर्चा करना चाहते हैं भूमिहारों के बारे में, क्योंकि यह बात कल समझ में आई है कि वोट सिर्फ मोदी के नाम पर नहीं मिल रहा है। जो बीजेपी के समर्थक है वे कई और बातों को सोच रहे हैं, और जितने दीवाने वे 2014 में थे, जितने दीवाने 2019 में थे, वैसे दीवाने 2024 में नहीं दिखाई पड़ रहे। नवादा एक ऐसी सीट है जो भूमिहारों की सीट ही मानी जाती है, लेकिन जानकारी ये मिल रही है कि कल बीजेपी के प्रत्याशी डॉक्टर विवेक ठाकुर को वोट दिलाने में, वोट देने में भूमिहारों ने बहुत ही कंजूसी की है। हमने देखा ही है कि कल जो पहले चरण का चुनाव हुआ औरंगाबाद, नवादा, गया और जमुई में सबसे कम वोट नवादा में पड़े हैं। बिल्कुल, और बीजेपी की उम्मीद बस इस पर टिकी है कि राजवल्लभ यादव के भाई विनोद यादव किसी भी कीमत पर 50,000 से अधिक मत ले आए। यदि वे ले आते हैं तो बीजेपी जीत जाएगी, और यदि नहीं ले आते हैं तो नौवा नैया डगमगा जाएगी। तो भूमिहारों ने कंजूसी क्यों की रवि जी, जबकि हमने देखा 2009 में वहां से भोला सिंह सांसद हुए सभी बारी, 2014 में गिरिराज सिंह हुए, 2019 में चंदन सिंह हुए सूरजभान सिंह के भाई। नवादा के भूमिहार क्यों कंजूस हो गए बीजेपी को वोट देने में, जबकि वे तो बिल्कुल बीजेपी के बंधुआ समझे जाते हैं। देखिए ज्ञानेश्वर जी, आप एक बात कह रहे थे कि सभी का एक लत्तड़ होता है, कद्दू का लत्तर, कद्दू का लत्तर, तो वो कद्दू का लत्तर विवेक ठाकुर का नहीं दिखाई पड़ा, जैसे गिरिराज सिंह का भी लत्तर है। नहीं, मैं वो इस सिलसिले में कह रहा था कि यदि आपने बात छेड़ी भी है कि देखिए भूमिहार ये देखते हैं या भूमिहारों की रिश्तेदारी, बिल्कुल गंगा इस पार और गंगा उस पार। तो नवादा में देखिए यह नारा तो चल ही रहा था, बाहरी भगाओ नवादा बचाओ। खैर भूमिहार इससे प्रभावित नहीं थे, उन्हें भूमिहार को ही जिताना था, लेकिन वोट कम दिया। बिल्कुल, तो देखिए कल रात जब हम बात कर रहे थे डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह बिहार के पहले मुख्यमंत्री इसी नवादा लोकसभा क्षेत्र के बरबीघा में गाँव, वहां हमने जानकारी प्राप्त की भूमिहारों के बूथ पर कोई मतलब लाइन थी ही नहीं, चार पांच, हाँ चार पांच लोग दिखाई पड़ रहे थे। और फिर देखिए जो हमने कद्दू के लत्तर की बात की थी, ये हम बात हमने रिश्तेदारी के बारे में बात की थी कि जब भोला सिंह लड़ रहे थे, जब गिरिराज सिंह लड़ रहे थे, भोला सिंह बेगूसराय, बिल्कुल गिरिराज सिंह बरहिया, और चंदन सिंह सूरजभान सिंह के भाई मोकामा, बिल्कुल, तो ये मतलब तो इनके जो रिश्तेदार है ना मोकामा नवादा में, नवादा में फैले हुए थे, बिल्कुल कोई चाचा था, कोई मौसा था, कोई फूफा था, कोई नानी थी, कोई नाना था, कोई भांजा था, कोई साला था, कोई बहनोई था, बिल्कुल। लेकिन चूंकि विवेक ठाकुर गंगा के उस पार वाले थे इसलिए इनके रिश्तेदार यहाँ मिल ही नहीं रहे थे, बिल्कुल। तो हाँ इसका असर क्या दिखा है, वही वही हम करें कि वो लत्तर वहां पर नहीं दिखा, तो ये एक बड़ा आपको कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी, हाँ ये कनेक्टिविटी वो लत्तर का मतलब कनेक्टिविटी है, वह नहीं मिला, तो यह भी एक कारण है। और दूसरा कारण एक है कि राज्यसभा में जो एक न एक भूमिहार सदस्य जो है वह कम हो जाएंगे यदि विवेक ठाकुर जीत जाते हैं, तो जीतते हैं हाँ।
तो यह एक भी यह एक मामला यह भी है। और दूसरा मामला भूमिहार में वह जो उत्साह दिखाई पड़ता है वह इस बार नहीं दिखाई पड़ा। जो आपने गवाही भी दी कि श्री कृष्ण सिंह की के जो पैतृक गांव है वहां पर जो है सो 3-4 लोग ही हर बूथ पर नजर आए, जो भूमिहार बहुल इलाका माना जाता है। तो वो ऐसे में वह स्पष्ट करता है कि उतना कनेक्टिविटी, उतना कनेक्शन और जो बाहरी भीतरी वाला जो मामला था वह भी कहीं नहीं। आप देखिए ना, बरबीघा के विधायक राजू सिंह के पौत्र जो है सुदर्शन कुमार, वे एनडीए के चुनाव अभियान से जुड़ ही नहीं पाए। बिल्कुल। हिसुआ के पूर्व विधायक भाजपा के दिग्गज नेता अनिल सिंह बहुत बाद में जुड़े। और पता नहीं, देखिए जब पशुपति पारस ने कह दिया, सूरजभान सिंह ने कह दिया कि हम एनडीए के साथ ही हैं, तो सूरजभान सिंह भी एक दिन के लिए नवादा गए हो, चंदन सिंह गए हो, इस बात की गवाही नहीं मिली। देखिए और लोग शिकायत करते रहे कि विवेक ठाकुर ने संपर्क करने, देखिए चुनाव जीत जाना, अंतर कम होना है, जीत जाना हार जाना इसकी भविष्यवाणी हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि नवादा फंसा हुआ है, लेकिन भूमियारों ने यह नहीं देखा कि हम वोट मोदी को दे रहे हैं, कंजूस हो गए। बिल्कुल। देखिए वह जो क्रेज, जो उत्साह जो दिखाई पड़ता है मोदी जी के नाम पर, वह भी नहीं दिखाई पड़ा ज्ञानेश्वर जी इस बार, स्पेसिफिकली नवादा में आप कह लीजिए, तो वह नहीं दिखाई पड़ा। तो ऐसे में अब वही बात जो है कि राजबल्लभ यादव के भाई विनोद यादव कितने वोट का कटिंग करते हैं उसी पर इनका राजनीतिक भविष्य फंसा हुआ दिख रहा। हाँ, ये विवेक ठाकुर का, अगर यदि वो काट लेंगे विनोद यादव और काटेंगे ही, वो उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वह तब जाकर के इनका नैया बेतरनी यह पार कर जाएंगे। यदि विनोद यादव ने काटा तो टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई हो रहा है। बिल्कुल। और देखिए भूमियारों की हम बात करेंगे तो औरंगाबाद में बीजेपी के उम्मीदवार सुशील कुमार सिंह को लोगों ने वोट कर दिया। बिल्कुल, ठीक है ना। गया में भी जीतन राम मांझी को कर दिया और जमुई में भी अरुण भारती को कर दिया। बिल्कुल। लेकिन नवादा जहां गया था, जहां उनका अपना उम्मीदवार था, वहां वोट देने में कंजूसी कर दी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, वोट देने में कंजूसी कर दी, तो ये खतरनाक संकेत है। अब देखिए हम यह चर्चा करते हैं, देखिए लालू यादव का कार्ड चल गया लगता है। अब यदि हम इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवारों की बात करें तो यादव संख्या में 10, इसके बाद सबसे अधिक उम्मीदवार जो दिखाई पड़ रहे हैं वह कुशवाहा हो। बिल्कुल। मुसलमानों को भले तेजस्वी यादव ने काट दिया, मुसलमानों की संख्या कम कर दी गई, उम्मीदवार सिर्फ 2 रह गए, मधुबनी में अली अशरफ फातमी और अररिया में शाहनवाज। बिल्कुल। और इस कारण कई लोकसभा क्षेत्रों में मुसलमान नाराज भी दिखाई पड़ रहे, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। लेकिन कुशवाहा 6 उम्मीदवार घोषित किए जा चुके हैं। आलोक मेहता उजियारपुर से, श्रवण कुशवाहा नवादा से, अभय कुशवाहा औरंगाबाद से, ये तीनों आरजेडी के उम्मीदवार हैं। और संजय कुशवाहा खगड़िया से सीपीएम के उम्मीदवार, राजाराम कुशवाहा काराकाट से मालिक उम्मीदवार, और डॉक्टर राजेश कुशवाहा पूर्वी चंपारण से बीआईपी के उम्मीदवार कल ही घोषित किए गए। ये 6 घोषित हैं और यह संभावना है कि जब कांग्रेस की लिस्ट आएगी तो पटना साहिब में अंशुल अभिजीत कुशवाहा का नाम होगा। बिल्कुल। और जिस तरीके का ट्रेंड कल दिखा, चाहे हम औरंगाबाद की बात कर ले, चाहे हम नवादा की बात कर ले, वहां कुशवाहा उम्मीदवार ही थे। लेकिन यह भी ध्यान देना होगा कि 2 बड़े कुशवाहा नेता सम्राट चौधरी और उपेंद्र कुशवाहा एनडीए फोल्ड में, बावजूद इसके कल कुशवाहा का बहुतायत में इंडिया ब्लॉक की ओर जाता दिखा, अपनी जाति के उम्मीदवार के पक्ष में, और इसका असर जमुई में भी दिखाई पड़ा और गया में भी दिखाई पड़ा। बिल्कुल, देखिए सही बात है ये, देखिए लॉकस कॉम्बिनेशन को हम जोड़ के देखेंगे ज्ञानेश्वर जी, यह इसमें डेंट दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि देखिए लॉ समीकरण से नीतीश कुमार खुद जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मुख्यमंत्री बिहार है, और ये 2 बड़े चेहरे आप जो कह रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा और सम्राट चौधरी भाजपा के अध्यक्ष, और यही नहीं उमेश कुशवाहा जदयू के प्रदेश अध्यक्ष, बावजूद इसके देखिए यह कुशवाहा में डेंट लगना, यह कहीं ना कहीं यह बताता है कि कुशवाहा जो है सो ये जो आरजेडी ने या इंडिया ब्लॉक ने, महागठबंधन ने जो नई सोशल इंजीनियरिंग की, हाँ नई सोशल इंजीनियरिंग की है, यह भारी पड़ता हुआ दिख रहा है जी। इसमें कहीं कोई 2 मत नहीं है, और लगातार अभी तो कांग्रेस की लिस्ट जैसा बता रहे हैं आप कि वह अभी आना बाकी है, हो सकता है उसमें भी अंशुल अभिजीत का नाम, मीरा कुमार के बेटे, जाति से कुशवाहा है। बिल्कुल, उनके पिता कुशवाहा है। बिल्कुल, तो वो जो है सो निश्चित रूप से ये एक बड़ा समीकरण ये दिखाई पड़ रहा है, जो कि निश्चित रूप से एनडीए के लिए ये सोचने वाली बात है कि किस कैसे उनके जो उनका जो आधार वोट अब तक रहा है, अब तक आधार वोट रहा है 15 साल का आप कार्यकाल उठा करके देखिए, उसमें यही इनके साथ में मूल वोटर यही है, कोर वोटर यही है, और उसमें डेंट लगना ये बड़े बड़े माने चिंता का विषय है एनडीए के लिए। चिंता का विषय है, लेकिन एक चर्चा जो आप बार बार करते हैं
कि जो आरजेडी है उनके पास माई वोट तो है ही मुसलमान और यादव का, और यह करीब 32% हो जाता है। फिर ऐसी सूरत में यदि कुशवाहा उनके पास जुड़ जाते हैं और वे मत कर देते हैं तो जहां जहां कुशवाहा है वहां लड़ाई बहुत मुश्किल हो जाएगी। जहां जो जो कैंडिडेट जो आपके आप बता रहे हैं जो कैंडिडेट हैं जो लड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं तो निश्चित रूप से कुशवाहा अपनी जाति समाज को वोट करेंगे, तो वैसी परिस्थिति में यह किसके लिए परेशानी होगा? यह निश्चित रूप से एनडीए के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए, कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए फोल्ड में इतने कद्दावर नेता है बावजूद इसके वोट उधर ट्रांसफर हो रहा है, तो यह चिंता का विषय है ज्ञानेश्वर जी का। इससे बड़ा बात बड़ी बात क्या हो सकती है? लेकिन यह भी है ना कि कुशवाहा कुशवाहा को वोट करेंगे, लेकिन जहां यादव है एनडीए फोल्ड से वहां यादव के पक्ष में यादव भी मत कर सकते हैं। बिल्कुल, जैसे उजियारपुर में हम बात करें तो भले कुशवाहा आलोक मेहता को दे दे लेकिन वहां यादव नित्यानंद राय को वोट कर सकते हैं। हाँ, निश्चित रूप से वो तो देखिए वो तो एक पैटर्न भी है, पैटर्न भी है, वह सिस्टमेटिक ढंग से होता भी है कि नित्यानंद राय उजियारपुर से रहेंगे तो यादव का वोट उधर जाएगा, वह फिर इंडिया ब्लॉक और महागठबंधन से में नहीं जाएगा, क्योंकि देखिए भले आप दे रहे हैं यादव को तो वो वहां पर वो मजबूत नेता है तो उनकी ओर भी लोग देखते हैं कि नहीं अगर मजबूत नेता रहेंगे हमारे लिए तो कभी दुख की घड़ी सुख की घड़ी में मेरे लिए खड़ा रहे। और ठीक ऐसी स्थिति मधुबनी में भी दिखाई पड़ती है कि वहां अशोक यादव है, बिल्कुल ठीक है, अली अशरफ फातमी है, तो मुसलमान भले अली अशरफ फातमी के साथ जा सकते हैं लेकिन यादव हमने 2019 में भी देखा कि यादव चले गए बिल्कुल बीजेपी के साथ। देखिए तो वो उनके पिताजी के भी लिगेसी है, लिगेसी है तो वह लिगेसी पर तो वोट चढ़ेगा ही ना, उसमें आप इधर उधर नहीं कर सकते झोलझाल, वो पड़ेगा ही। वही हम जो बात कर रहे हैं नित्यानंद राय की बात जो उजियारपुर, तो वही होगा, ये बड़े नेता और कद्दावर नेताओं का वोट कहीं इधर उधर नहीं जाएगा चाहे लाख कोई छाती पीट ले। तो आप झंझारपुर में भी देख लीजिए तो क्या यादव वहां गुलाब यादव को मत कर देंगे? देखिए गुलाब यादव मजबूत और दबंग है, ऐसा नहीं है कि इधर उधर कोई उनको कर सकता है, उनका आप उनकी पत्नी है, उनकी बिटिया जैसा आप बताते हैं सब लोग है, तो अब वहाँ तो लड़ाई तो वहाँ पर झंझारपुर में मजबूत होगी। सुमन महासेठ के लिए वहाँ पर सुमन महासेठ कितना वैसे का मत प्राप्त कर पाएंगे? बिल्कुल, क्योंकि वह इंडिया ब्लॉक के प्रत्याशी है, यह बड़ा सवाल है। लेकिन यादव मत ही तीसरे कोण को प्राप्त हो जाएगा तब सुमन महासेठ बचेंगे कहां? हाँ, नहीं बचेंगे, निश्चित रूप से नहीं बचेंगे, और इसका फायदा जेडीयू को मिलेगा निश्चित रूप से। वहां जेडीयू को एक तरह से समझिए गिफ्ट है वो, जी गिफ्ट, क्योंकि उनके खिलाफ इतनी एंटी इनकमबेंसी है, इतना विरोध है रामकृत मंडल जो वहां मौजूदा सांसद है। बिल्कुल, और फिर हम पूर्णिया की बात कर ले, तेजस्वी यादव खूब पसीना बहा रहे हैं लेकिन वहां पप्पू यादव की सेहत खराब हो रही है, ऐसी कोई जानकारी याद नहीं? नहीं, देखिए पप्पू यादव का वहां पर कोई जितना भी छाती पीट ले, जितना भी चिल्ला ले, पप्पू यादव देखिए हम जब से उजियारपुर की बात कर रहे हैं, जिस तरह से हम उनकी बात कर रहे हैं गुलाब यादव की बात कर रहे हैं, तो उसी तरह से वही पोजीशन आपको देखिए पप्पू यादव के साथ में, तो वो बड़ा नेता है और हमेशा सुख दुख में रहते हैं, वह ये नहीं है कि मौका परस्त है, काम निकला चलो प्रणाम करके चले गए, तो वो नहीं, वो हमेशा रहते हैं, तो यही उनकी यूएसपी, हम बार बार बोलते हैं ज्ञानेश्वर जी यही उनकी यूएसपी है। तो ऐसे में पप्पू यादव के पास यादव का वोट इन ब्लॉक गिरेगा, आप कितना भी कोई इसमें कोई डेंट चाहेगा नहीं। नहीं, हम मुसलमानों की भी बात करें, देखिए मुसलमानों की जो बात होती है, अब देखिए पूर्णिया में मुसलमान पप्पू यादव के साथ खड़े हो गए दिखते हैं, और यह बात देखिए पूरे बिहार में मुसलमानों के बीच है कि हम तेजस्वी यादव के लिए नरेंद्र मोदी से अदावत क्यों मोल लें। हमने कल भी देखा, कल जो चुनाव हुए 4 लोकसभा क्षेत्रों में, ऐसा भी नहीं कि मुसलमान के बूथों पर बिल्कुल लंबी लाइन रेलम रेल ऐसा कुछ नहीं था, तो उनमें भी उत्साह की कमी है। यदि मोदी के फैन फॉलोइंग में उत्साह की कमी है, मोदी के दीवानों में कमी है, तो मुसलमानों में भी ऐसा नहीं दिखा कि वे मोदी को परास्त। क्या तेजस्वी यादव ने जो टिकटों में कंजूसी की इसका परिणाम? देखिए निश्चित रूप से वह दीवानगी जो पहले मुसलमानों में दिखाई पड़ती थी महागठबंधन के लिए, कह लीजिए इंडिया ब्लॉक के लिए, वह दीवानगी इस बार के चुनाव में पहले चरण के फेज में स्पष्ट रूप से नहीं दीवानगी दिखी है। जबकि हम लोग चर्चा भी कर रहे थे कि ईद का अवसर है, सब लोग अभी आए हुए हैं, तो वह दीवानगी दिखनी चाहिए थी। वो वोटिंग का ट्रेंड जो दिखता है, वह ट्रेंड दिखना चाहिए था कि वो बुर्का पहन करके महिलाएं लाइन में लगी हुई है, वह कतारबद्ध है, और तो वह चीज तो नहीं दिखा। जबकि जुमे का दिन था, फ्राइडे था, शुक्रवार था। सवाल पूछा भी जा रहा है मुसलमान, देखिए जहां तेजस्वी यादव रोज जा रहे हैं बीमा भारती के लिए, कि पहले ये तो बता दो कि भाई हमारा टिकट कम क्यों किया, फिर पप्पू यादव का विरोध करो। बिल्कुल, यह जो दो सीट दे हैं, यह कहीं न कहीं यह
तेजस्वी यादव ने गलत डिसीजन किया है, यह इसका संकेत है। और यही नाराजगी आपको पूरा अंडरकरेंट दिखाई पड़ रही है कि एक एक करके वह बड़े चेहरे को वो काटते चले गए। सिवान में सारे मुसलमान हिना साहब के साथ खड़े दिखाई पड़ रहे हैं। बिल्कुल वही, और हिना साहब का कहीं पप्पू यादव के समर्थन में उतरना यह भी एक बड़ी बात है। यह कहीं अंडरकरेंट है, इस बात को कोई माने नहीं माने, इत्तेफाक रखे न रखे, लेकिन है यह बात। मुसलमान यादव जैसे ओवैसी का उम्मीदवार नहीं देना, हाँ नहीं देना जी, सही बात, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि लड़ाई में तो संतोष कुशवाहा और पप्पू यादव ही है। बिल्कुल, इसीलिए ओवैसी की ओर से कोई उम्मीदवार भी नहीं। तो ठीक है, देखिए तो हमने बात की मुसलमानों के बारे में। देखिए एक बात और, चलिए देखिए बिहार में एक नारा लगा जब 2005 में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, कुर्मी को ताज भूमिहार का नाच। बिल्कुल, तो हमने ये देखा कि भूमिहार कल कंजूस हो गए, लेकिन जो ताज कुर्मी के पास है वहां भी हमने टेंट देखा, नवादा में, जमुई में, जमुई के शेखपुरा में कुर्मी मत टूटे हैं। और तोड़ कौन रहा है? नीतीश कुमार के मत को लालू यादव तोड़ लेते, नरेंद्र मोदी तोड़ लेते, उपेंद्र कुशवाहा तोड़ लेते, तो एक बात भी समझ में आती। लेकिन अशोक महतो का प्रभाव हमने नवादा में देखा, हमने जमुई में देखा, तो यह तो बड़ी चुनौती है नीतीश कुमार के लिए। निश्चित रूप से कुर्मी वोट में डेंट अशोक महतो से लगा है जी, और यह इंजीनियरिंग, यह सोशल इंजीनियरिंग कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव ने किया है। आप वो देखिए जमुई, नवादा, जो नवादा में तो मुंगेर में भी, हाँ मुंगेर में तो चुनाव ही लड़ रहे हैं अशोक महतो की पत्नी। वही अब तो मुंगेर की, अब अगली लड़ाई तो मुंगेर में होगी। बिल्कुल, ये दो जगह जमुई और नवादा में तो स्पष्ट दिखा पहले चरण के चुनाव में, तो वहां पर जिस तरह से जो कुर्मी बहुल इलाका है, या आप जो छिटपुट जो एक मैसेज गया है अशोक महतो का, वह मैसेज काम कर रहा है। और महतो तो अशोक महतो इसके लिए जाने भी जाते हैं, अगड़ा पिछड़ा की लड़ाई के लिए तो वह तो उसके पैरोकार हैं, वह तो उसके रहे भी हैं। ये तो बड़ा घातक है ना बीजेपी के लिए कि भूमिहार कंजूस हो गए और कुर्मी को टूट गए। बिल्कुल बिल्कुल, ये अब नीतीश कुमार के लिए है चुनौती कि आप जिस समाज से आते हैं उस समाज में ही अशोक महतो डेंट लगा रहे हैं, तो यह एक चिंता का विषय है। जैसा आपने कहा कि नरेंद्र मोदी अगर यदि लगाते, लालू यादव लगाते, तेजस्वी लगाते, तो या मुकेश सहनी लगाते, तो समझ में आता है चलिए एक बड़ा नेता वो कुछ कर रहे हैं जो ओहदे पर है, लेकिन ये जो है अशोक महतो लगा रहे हैं, तो यह एक इनको फिर से अपने रिथॉट करना पड़ेगा कि कहां पर ये चूक इन लोगों से हो जा रही है। यह एक बहुत बड़ी बात है। और देखिये कुशवाहा में टूट की खबरें आ रही है। आज सम्राट चौधरी मुंगेर में थे, ललन सिंह के नामांकन कराने को पहुंचे थे, और फिर वहां नामांकन के बाद चुनावी सभा हुई, वहां नारा लगा बिहार का सीएम कैसा हो सम्राट चौधरी जैसा हो। क्या यह नारा कुशवाहा मतों में टूटन को रोकने के लिए जरूरी था? देखिए यह निश्चित रूप से वह उनका क्षेत्र भी है जी, सम्राट चौधरी को, तो वह उनका गृह जिला है, तो वह ऐसे में निश्चित रूप से वहां पर उनके समर्थक, उनके चाहने वाले होंगे, और उनके पिताजी का भी तो लिगेसी है, तो सपनी चौधरी जी का, तो वह निश्चित रूप से वहां पर वह नारा लगा है। और आज की तारीख में बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे है बिहार में निश्चित रूप से, तो वो ऐसी परिस्थिति में कुशवाहा में तो वह एक सर्वमान्य है कि कुशवाहा में कोई नेता है तो सम्राट चौधरी है, तो वो सम्राट चौधरी के पक्ष में नारा लगा, और कहीं ना कहीं माने मनोबल उत्साह बढ़ाने की भी यह एक बात है कि यह कुशवाहा में एक मैसेज जाए कि सम्राट चौधरी हमारे नेता है, हमारे ऊपर उनका हाथ है, तो वह एक मैसेज भी देने का काम होता है। चलिए देखिए आखिरी पड़ाव पर हम है चुनावी चर्चा के। आनंद मोहन का एक वीडियो वायरल हो गया, आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद चुनाव लड़ रही है, और आनंद मोहन जैसी बातें ही बीजेपी के तमाम उम्मीदवार करते दिखाई पड़े एनडीए फोल्ड के। अरे मेरे पास तो टिकट है, मेरे साथ तो मोदी है, मुझे और क्या करना है, धारा 370 खत्म हो गया, राम मंदिर बन गया, अब तो वोट और किसे मिलेगा। तो आनंद मोहन यह कहते हुए सुनाई पड़े, वैश्य के पास वोट मांगने हम क्यों जाएंगे, वह तो नरेंद्र मोदी समझे, कुर्मी पटेल कोयली के पास वोट मांगने हम क्यों जाएंगे, वह तो नीतीश कुमार समझे, राजपूत के पास जाना ही पड़ा तो मैं आनंद मोहन क्यों, क्या यह टेबल ठीक है? नहीं देखिए ये कहीं ना कहीं ये आनंद मोहन के लिए डैमेजिंग होगा, आनंद मोहन के लिए क्या उनकी पत्नी के लिए डैमेजिंग होगा। अब देखिए नरेंद्र मोदी तो यहाँ पर नहीं आएंगे, नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव भारतीय जनता पार्टी एनडीए निश्चित रूप से लड़ रही है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि आप इस तरह से वैसे जो वोटर हैं आपके मतदाता हैं और आपके सामने ऋतु जायसवाल हैं तो वह ऐसे में आपको उनके पास जाना चाहिए। आप ठाकुर हैं इसका मतलब यह नहीं कि ठाकुर के पास आप नहीं जाइए, आप
वो जो बैसे के पास नहीं जाइए, कुर्मी कोहरी के पास नहीं, कुर्मी कोहरी के पास नहीं जाएगा, आपको कुर्मी कोहरी के पास नहीं जाएगा कि नीतीश कुमार साथ में, तो यह इससे नहीं होता है। सम्राट चौधरी कुशवाहा है तो उनके पास, अब तो यह चीज ऐसे नहीं चलता है। यह चुनाव में सबको साधने की कवायत होती है, और यह जो एरोगेंसी हम जिसको कह सकते हैं, यह एरोगेंसी पॉलिटिक्स में नहीं चलता है। पॉलिटिक्स में बहुत सॉफ्ट स्पोकन और बहुत फ्लेक्सिबल और लचीला होना पड़ता है, जो हम लोग अब तक देख लिया है। और यह इस तरह से अड़ियल रुख अगर यदि उनका रहेगा, तो यह निश्चित रूप से जो 40 का 40 सीट बिहार में जीतने का दावा अगर एनडीए कर रही है, तो वह कहीं ना कहीं वह होता हुआ नहीं दिखाई पड़ेगा। चलिए, तो देखिए, ये होता हुआ दिखाई नहीं पड़ेगा। और समझने की बात है कि मोदी के साथ साथ बिहार में जाति और जाति का उम्मीदवार हावी है। क्या होगा नतीजा अभी हम नहीं बता रहे हैं, चुनाव आयोग ने भी मना कर रखा है। तो आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।